जय श्री हरि, जय श्री राम। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन को अत्यधिक शुभ और सौभाग्यशाली दिन माना जाता है। भक्त आमतौर पर इस विशेष दिन व्रत रखते हैं और चंद्र देव तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को फाल्गुन पूर्णिमा कहते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा को वसंत पूर्णिमा और होली पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को अंतिम पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन होली और लक्ष्मी जयंती मनाई जाती है। फाल्गुनी पूर्णिमा का धार्मिक रूप से तो महत्व है ही, साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक नजरिए से भी बहुत महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो लोग फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु और चंद्र देव की पूजा करते हैं, उन्हें देवता का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके वर्तमान और पिछले पापों से भी छुटकारा मिलता है। चलिए देखते हैं मार्च 2021 में आने वाली फाल्गुन पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फाल्गुन पूर्णिमा मुहूर्त। फाल्गुन पूर्णिमा 28 मार्च 2021 दिन रविवार। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 28 मार्च 2021 को 3:27 एएम से। पूर्णिमा तिथि समाप्त 29 मार्च 2021 को 12:17 एएम पर। पूर्णिमा पूजा विधि। पूर्णिमा पर भक्तों को सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में पवित्र स्नान करना चाहिए। ऐसा करना बहुत शुभ और भाग्यशाली माना जाता है। पवित्र स्नान करने के बाद भक्तों को मंदिर में या घर में विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद सत्यनारायण कथा का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र और ओम नमो नारायण मंत्र का लगातार 1008 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा पर अधिक से अधिक दान करना चाहिए। भोजन, कपड़े और पैसे जरूरतमंदों को दान करने चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री हरि, जय श्री राम।